नेशनल न्यूज नामा के तमाम नाजरीन को ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें कि 9 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात में मसीहियों ने अपना क्या मौकफ अपनाया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुतल्लिक अजखुद नोटिस केस के मामले में अकलीती बरादरी ने केस में फ्रीक बने की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त एमएल प्यारा की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त गुजार ने मौकफ अपनाया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मसीह बरादरी के हकूक भी जुड़े हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि सदर पाकिस्तान की दोनों सूबों में आम इंतखाबात की दी गई तारीख को तब्दील किया जाए। दरख्वास्त गुजार ने मौकफ अपनाया कि 9 अप्रैल मसीह बरादरी के मजहबी त्यौहार ईस्टर का दिन है। दोनों सूबों की मसीह बरादरी ईस्टर के त्यौहार में मसरूफ होगी। इसमें यह भी कहा गया कि 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे का मुकदस दिन भी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि दोनों सूबों में 7 या 9 अप्रैल को आम इंतखाबात ना करवा जाए। यह भी इस्तदा की गई कि मसीहियों के हकूक को मद्देनजर रखते हुए दरख्वास्त गुजार को अस खुद नोटिस में फरीक बनाया जाए।